मुझे ये करके दिखाना है मेरी माँ के मरने से पहले। माँ बताओ बताओ आज बता दो कि मुझे क्या देना है। बेटा मुझे एक बड़ा बंगलो बना के दो। माँ बोलती नहीं, कहती तू अच्छा घर बना ले। वो चाहती भी है आप ही की अच्छाई के लिए, उसके लिए नहीं। वहाँ भी देखिए चाहत की ममता, देखिए वहाँ भी वो आप ही की जिंदगी में कुछ खुशहाली देखना चाहती है। और अल्लाह से दुआ करना, या अल्लाह मेरी माँ को मौत ना दे तब तक जब तक कि मैं ये चीज अचीव ना कर लूँ, क्योंकि ये मेरी माँ ने मुझसे कहा है। हर एक को पैसा चाहिए, सबको नहीं मिलता। काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जाग जाग कर मेहनत करना पड़ता है। रात में फुकट का माल जो बोलते हैं ना, फ्री में वालिदैन का मिल रहा है हर चीज। इमेजिन अल्लाह ना करें अचानक वालिदैन की मौत होती है, क्या करोगे? कोई 3 दिन मिलेंगे रिश्तेदार, उसके बाद कोई पूछेगा नहीं आपको। 3 दिन आएंगे मामू खालू फुप्पा कोई भी बेटा बेटा करके, तीसरे दिन के बाद दिखेंगे नहीं। कई सारे पेरेंट्स अचानक मौत हो रही कि नहीं हो रही है। तो पेरेंट्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात, हर दिन हर पल पेरेंट्स कुछ दे रहे हैं आपको, तो वो लोग भी तो बेचारे मुंह बंद करके कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। तो फिर आप क्या दे रहे हैं उनको? कुछ देना ना। आप जब ग्रीटिंग कार्ड दोगे लड़की को तो एक्सपेक्ट क्या करोगे? सैंडल? कुछ एक्सपेक्ट करेंगे ना आप भी एक कार्ड एक्सपेक्ट करेंगे, आप भी एक उसका जेस्चर एक्सपेक्ट करेंगे। तो फिर आपकी माँ से इंपॉर्टेंट है, आपके डैडी से इंपॉर्टेंट है। वो लोग जब कुछ चाह रहे हैं आपसे तो आप वो दे रहे हैं? और 1000 चीज भी नहीं चाह रहे हैं वो लोग, वो तो बाद में आप आई लव यू बोलते, वो आई लव यू बोलती, उसके बाद 1000 नखरे सहना नहीं। लेकिन यहां पे वालिदैन से पूछो, 1000 नहीं बोलते, बस 4-5 चीजें, बेटे ये ना कर ये कर, वही चीज चाहिए। वो चीज करते हुए फिर भी अगर कर रहा है तो फिर भी बात समझ में आती। देखो ये सब कर रहा है जो वालिदैन बोल रहा, बेटा आप नमाज नहीं छोड़ना, नमाज पढ़ रहा है, आप पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ले आना, 90 मार्क्स बिल्कुल ले आ रहा है, 90%, उसके बाद वो पबजी भी खेल रहा है, बात समझ में आती। लेकिन जो वालिदैन चाह रहे पहले उस पर सवाल कर लें, वो आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, उसके बाद सारी चीजें बाद में सब, वो जो सिगरेट पी रहा है, वो गांजा खा रहा है, वो लड़कियों के पीछे जा रहा है, वो सब साइड में रखो, ये मैं दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, ये तो करना नहीं है गंदे काम, फिर भी कोई कर रहा है, कम से कम वो अपनी माँ को जो माँ चाहती है वो कर रहा है नहीं, जो बाप चाहता है वो कर रहा है नहीं। ये हम नहीं सोचते हैं, हम सवाल ही नहीं करते हैं। शूज पहने हैं, किसी ने बनाया शूज, आप पहन लिए, आप कुछ बनाए नहीं बनाए, क्यों? बनाने के लिए आए नहीं हम लोग, हम लोग कॉन्ट्रीब्यूटर बनना ही नहीं चाहते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटर बनना सीखो, लाइफ में कुछ देना सीखो, अपने वालिदैन को दो, अपने नीबर्स को दो, अपने कम्युनिटी को दो, अपने देश को दो। ये जब देना सीखेंगे ना, लोग सलूट करेंगे आपको, आपके पेरेंट्स रिस्पेक्ट करेंगे आपको, आनर करेंगे, खुश होते रहेंगे वालिदैन आपको। आप लोग को वालिदैन का रोल क्या है पता ही नहीं। जिंदगी में एक पल कभी अकेले कमरे में बंद करके सीरियस हो जाओ कि व्हाट इज लाइफ, हु एम आई, मुझे क्या करना है, व्हाट इज माई मॉम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, She has given a lot to me all these years. And what is she expecting? You have a talk with your mom today. Ask them. You have given me these many things. Is there anything that you want from me? And what is that? Ye poochho apni maa se. Maa batao. Aaj bata do ke mujhe kya dena hai aapko. To wo kya bologi? Taj Mahal? Mercedes Benz dijiye? Ek big bungalow dijiye? Maa never wants to live in a big bungalow. She never wants to be driven in Mercedes Benz, but she wants her children to drive Mercedes Benz. She wants her children to live in a big bungalow. वो चाह रही है क्या बताओ मुझे? वो नहीं चाह रही कि मैं, मुझे बेटा मुझे एक बड़ा बंगलो बना के दो। कोई माँ बोलती है नहीं, कहती तू अच्छा घर बना ले एक। वो चाहती भी है आप ही की अच्छाई के लिए, उसके लिए नहीं। वहां भी देखिए चाहत माँ की, ममता देखिए वहां भी, वो आप ही की जिंदगी में कुछ खुशहाली देखना चाहती हैं, और वो हम नहीं करना चाह रहे। आप जैसे बच्चे 90% दुनिया में सांस ले रहे हैं, 90% पेरेंट्स को इजी ले रहे हैं, इजी यानी कुछ भी नहीं। पेरेंट्स बहुत 10% है जो समझ रहे हैं। तो इस वक्त संभलने का वक्त है। बारिश होती है तो इंसान क्या करता है? छतरी हो तो सीधा छतरी खोलता है, और छतरी ना हो तो कोई भी झाड़ के नीचे जाके खड़े हो जाता है। झाड़ ना हो
कोई दीवार को ऐसे लग जाता है, दीवार भी नहीं तो कम से कम ऐसा तो करता है, पानी में ऐसा नेचुरल चलते हुए देखे किसी को, ऐसा ही भागता नहीं बारिश में, कुछ ना कुछ बचने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं नहीं कि इंसान तो संभल रहे हैं, क्यों सिचुएशन आ रहा है। तो यहाँ पर जैसा पानी आए तो कैसे कैसे एक्शंस कर रहा है, छतरी ओपन कर रहा है, या शर्ट हो तो ऐसा कर रहा है, कैप हो तो लगा रहा है, छाड़ के नीचे जा रहा है, दीवार के आड़ में जा रहा है। तो यहाँ भी ऐसे सिचुएशंस आप पर आ रहे हैं तो संभलना है आप। आप ऐसे ही खड़े हुए हैं, नुकसान होगा आप लोग का। तो यहाँ इस वक्त अगर आप लोग सुधर जाते हैं इस पल, तो आप लोग सिर्फ एक अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे, गजब के सिटीजन्स और गजब के पेरेंट्स भी बनेंगे आप लोग। आपसे फिर जो नस्ल बनेगी बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि आपकी तरह तो सब लाइफ गुजार रहे हैं, आपने वैसे नहीं गुजारना है जो सब गुजार रहे हैं, आपको वो जिंदगी गुजारना है जो जमाना याद रखे, जो आपके रिश्तेदार याद रखें, जो आपके वालिदैन फख्र करें। यहां के बाद वो लोग मौत से पहले एक ही चीज चाहते हैं। कोई चाहते हैं कि मेरे अब्बू मर जाएं आज, कोई है यहां जो बोले, कोई बोल सकता है? कोई चाहते हैं मेरी अम्मी मर जाएं अभी? कोई नहीं, कितना भी नालायक इंसान, बदमाश इंसान ये नहीं सोचता कि मेरी अम्मी मर जाएं, मेरे अब्बू मर जाएं, लेकिन मरने वाले हैं एक दिन। डू यू बिलीव इन दैट? मरेंगे वो लोग, अभी भी मर सकते हैं, कल भी मर सकते हैं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, मरना ही है सबने एक दिन। लेकिन वो लोग मरने से पहले कुछ चीजें देखना चाहते हैं अपनी आंखों से। क्या देखना चाहते हैं वो पूछिए जाकर, और वो चीज जब बोलेगी माँ तो उसको ठान लेना, उसको पकड़ लेना मजबूती से कि मुझे ये करके दिखाना है मेरी माँ के मरने से पहले, और अल्लाह से दुआ करना, या अल्लाह मेरी माँ को मौत ना दे तब तक जब तक कि मैं ये चीज अचीव ना कर लूं, क्योंकि ये मेरी माँ ने मुझसे कहा है। और हम लोग ऐसा कोई चैलेंज कभी लेते हैं? एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पेरेंट्स के आपसे, उस एक्सपेक्टेशंस को बेरी मत करो, दफना मत दो, जिंदा रखो उस एक्सपेक्टेशंस को, वो खुशी देखो अपने माँ के चेहरे पर।